सो टॉपिक हमारे पास है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए, इंसिडेंट एंगल आई एंड इमर्जेंट एंगल ई। सो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिस फॉर्मूले में हमको एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ए आई एंड ई। ठीक है, सो वही एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म लिया हमने। अब इस ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म के अंदर ए जो है वो तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी जो है दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं। ठीक है, तो हम जैसे चूज करते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लेते हैं, या आपने एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ले लिया और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हमने मार्क कर दिया एम से। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करोगे आप, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। तो इस तरह से हमने ये नॉर्मल ड्रॉ करा। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ करा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ अ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ड्रॉ करते हैं, लेट दिस इज द इंसिडेंट रे, या आपने इंसिडेंट रे ड्रॉ करी। ठीक है, सो लेट मार्क इट एज अ पी, इसको पी मार्क कर दिया। नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, सो दिस एंगल इज अ इंसिडेंट एंगल। ये क्या बन जाएगा आपका, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ठीक है, नाउ आउटसाइड जो मीडियम है वो तो एयर है, और जो अपना प्रिज्म है वो क्या है, ग्लास प्रिज्म है। तो इट मीन्स ये हुआ, जो ये लाइट रे है वो ट्रेवल कैसे कर रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगी ये, तो देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, आपको मालूम है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस तरह से आपको रिफ्रैक्टेड रे मिल जाएगी। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, इस वाले को अपन मार्क करते हैं, इसको एम मार्क करा पी एम, इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं एन। ठीक है, सो पी एन, ये एम एन इज अ रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द फेस दिस ए बी। ए बी वाला जो फेस है, जो रिफ्रैक्टेड फेस है वाला, इस फेस पर ए बी से इंसिडेंट रे तो क्या हो गई पी एम, और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई एम एन। ठीक है, एम एन क्या हो गई आपकी, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। नाउ लेट दिस एंगल इज द रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल फॉर दिस फेस ए बी। ए बी के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल है, इसको अपन आर मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये रिफ्रैक्टेड रे आके कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इस एन पॉइंट पर। तो एन पॉइंट पर अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो ये इस तरह से कुछ नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा आपका, ये नॉर्मल ड्रॉ। अब इस केस में दिस एंगल इज द इंसिडेंट एंगल, यहाँ पर इस एन के लिए एन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और जो फेस है आपके क्या है, एसी फेस है। तो इसको अपन मार्क कर देते हैं आर डैश, ध्यान से देखते जाना, इसको अपन ने क्या मार्क कर दिया आर डैश। नाउ दिस रे, लाइट रे विल ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो डेंसर से जब ये रेयरर में जाएगी, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ इस तरीके से, दिस इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये आपकी इमरजेंट रे हो जाएगी, इसको हम मार्क कर दें एम एन। ठीक है, इसको जैसे आपने ओ से मार्क कर देता हूँ, ओ कर देता हूँ। ठीक है, सो दिस एन ओ इज अ इमरजेंट रे, और ये जो एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल इज अ इमरजेंट एंगल, इसको ई से अपन मार्क कर दें। ओके, नाउ लेट्स मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या करेंगे, जो ये इंसिडेंट रे है इसके पाथ को ऐसे आप आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, ऐसे जो इमरजेंट रे है इसके पाथ को इधर अपन आगे बढ़ा देंगे, ये आपने बढ़ाया। ठीक है, इमरजेंट रे के पाथ को, तो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस जगह। ठीक है, तो इसको अपन क्यू मार्क कर देते हैं, ये क्यू मार्क कर दिया, ये क्यू हो गया। अब जो ये एंगल आ रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल है ये अल्फा है, और सॉरी, दिस एंगल इज डेल्टा, डेल्टा मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये पूरा आपको डायग्राम समझ में आया। लेट दिस एंगल इज, ये जो एंगल है इसको अपन अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्यू मार्क करा है आपने, तो इस वाले पॉइंट को अपन मार्क कर देते हैं आर, इस वाले पॉइंट को अपन मार्क कर देते हैं आर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो आप, इन के इन क्वाड्रेटरल, ठीक है, इन क्वाड्रेटरल। अब ये क्वाड्रेटरल देखो आप, ए एम देखना अभी आप, ए एम आर एन। ठीक है, ए एम आर एन,
ठीक है, एक क्वाड्रेटरल बन रहा है यहाँ पर, वो क्वाड्रेटरल देखो आप क्या बन रहा है, ए एम आर एन, ठीक है, इस ए एम आर एन पर फोकस करना। इस ए एम आर एन में देखो एंगल ए आ जाएगा आपका, प्लस एंगल एम आ जाएगा, एम पर जो एंगल बन रहा है उसको मैंने एंगल एम कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ये एंगल एम आ जाएगा, देन प्लस एंगल आर आ जाएगा, या आर वाला जो एंगल है, प्लस एंगल एन आ जाएगा, ठीक है, और ये जो चारों एंगल है इनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, ए तो अपना एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, प्लस ये एम वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये कितना होगा बताओ मुझे, ये नॉर्मल ड्रॉ करा था आपने, ये नॉर्मल ड्रॉ करा था तो ये एंगल कितना आएगा बताओ, 90 नो नो नॉट 180, दिस एंगल, हाउ मच दिस एंगल, ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक बोलो भाई अर्षित, नॉर्मल था ना ये, तो इस सर 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया था ना आपने, तो ये कितना आ ये जाएगा, तो 90 डिग्री आ नाइनटी जाएगा, बोला। ओके ओके सॉरी सॉरी, ठीक है, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और प्लस ये वाला एंगल तो क्लियर है ही सही आपको, अल्फा है, देन प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 360 डिग्री, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से हम थोड़ा और सॉल्व करें तो ए प्लस अल्फा, ए प्लस अल्फा इजिकल टू हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, ओके, यानी कि ए प्लस अल्फा आपके पास आ जाएगा, ए प्लस अल्फा इजिकल टू आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास, है ना, ध्यान से देखते जाना आप लोग। देन इन ट्राइंगल, अब मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, आप ट्राइंगल देखना ध्यान से, ये ट्राइंगल है एम आर एन, इन ट्राइंगल एम आर एन, ठीक है, तो एम आर और एन में देखना आप कि ये जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर प्लस अल्फा प्लस आर डैश, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, सही है कि नहीं है। तो यहाँ से अल्फा अगर हम निकालने जाएं तो अल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस आर प्लस आर डैश आ जाएगा, ठीक है ना, ये सेकेंड इक्वेशन कर देता हूँ मैं। अब इस सेकेंड इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू रख दो फर्स्ट में, ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में आप क्या करो अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो ए प्लस अल्फा कितना है, अल्फा है आपका 180 डिग्री माइनस आर प्लस आर डैश एंड इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो इस 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, देन ए इजिकल टू आपको मिल जाएगा आर प्लस आर डैश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे तक काम आएगी आपके, इसको हम कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, ठीक है, एंगल्स आपको सारे पता है, किस एंगल का क्या नाम है, ए तो क्या हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, आर आपको पता ही है रिफ्रेक्टेड एंगल है फर्स्ट फेस से, और आर डेज जो है वो इंसिडेंट एंगल है सेकंड फेस एसी पर, ओके यहाँ तक आ गए अपन, तो हमें रिलेशन किसके लिए निकालना है, डेल्टा के लिए, ये एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, तो ये कैसे आएगा आप देखो, इन ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन क्यू एम एन, इन ट्राइंगल क्यू एम एन, ठीक है, तो क्यू एम एन में अभी ध्यान से देखना, ये जो ये एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, ये देखो कंप्लीट एंगल कितना है आई है, पूरा एंगल कितना है ये आई है ना, तो ये वाले एंगल को आप फाइंड आउट करोगे तो ये वाला एंगल कितना आएगा, टोटल में से आर को माइनस कर दो तो ये आई आएगा माइनस आर आर माइनस आर, ठीक है ना, और प्लस ऐसे इस साइड निकालो तो इस साइड क्या है, पूरा कंप्लीट ई है, तो ई माइनस आर डेश आ जाएगा, देन प्लस दिस एंगल, हाउ मच दिस एंगल, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस डेल्टा, ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, यस 180 डिग्री, है ना, सिंपल टिक्नोमेट्री है, थोड़ा ध्यान से देखना, तो आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश प्लस 180 डिग्री माइनस डेल्टा इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो ये 180 डिग्री से 180 डिग्री तो कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ पर, है ना, थोड़ा इसको अरेंज करके देखते हैं तो आएगा आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश, ठीक है, इजिकल टू कितना आ गया आपके पास डेल्टा, और ये डेल्टा जो है एंगल ऑफ डेविएशन ये आ जाएगा आपके पास आई प्लस ई माइनस, देखो आर प्लस आर डैश के बराबर है ए के बराबर, तो ये आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, ओके, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट एंगल, इमरजेंट एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, तो फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा, आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होगा, तो फॉर्मूला क्या आता है आपका एंगल ऑफ डेविएशन का, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, अब ये जो फोर्थ इक्वेशन आई है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फोर,
फ्रॉम इक्वेशन 4। अब मोस्टली आपसे पूछते हैं कि भाई डेल्टा जो है, डेल्टा की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम कितना होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम होगा जब आई की वैल्यू बराबर होती है ई के, व्हेन आई इज इक्वल टू ई, ये कंडीशन है, ठीक है। व्हेन आई इज इक्वल टू ई देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम अगर आपसे पूछते हैं तो डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर आई ई की वैल्यू आई पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 2i - a। कितना आ गया आपके पास, 2i - a। अब जब डेल्ट, ये एक और फॉर्मूला, मार्क फॉर्मूले में मार्क करते जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल आएंगे तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल होंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म दिया होगा, इंसिडेंट एंगल दिया होगा, आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पूछेंगे, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया आपके पास, 2i - a, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, 2i - a। अच्छा यहाँ से अगर आपसे इसमें अगर ये पूछ ले कि मिनिमम डेविएशन आपको दे दें, और मिनिमम डेविएशन दे के आपसे पूछा जाए कि भाई इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ फोर्थ, इसको पहले फिफ्थ कर देते हैं अपन, ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गई। अगर आई निकालना हो मुझे तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, आई इज डेल्टा इक्वल टू प्लस आ ए जाएगा, अपॉन टू। हाँ, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई टू। न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ से रेफर करेंगे अपन फॉर्मुलेस को, और उससे पहले आप लोग फॉर्मुले सारे एक बार लर्न कर लेना। तो ये सिक्स फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, डेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम। तो इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम, या आई इज इक्वल टू कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ठीक है। नाउ फॉर डेल्टा, यहाँ पर हमने क्या करा, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा जब ये इंसिडेंट एंगल जो है वो किसके बराबर हो, इमरजेंट एंगल के। तो उससे हमने केस सॉल्व करा और हमारे पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय टू, ठीक है। सेकेंड जो कंडीशन है इसकी, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम की जो सेकेंड कंडीशन है वो है दिस आर शुड बी इक्वल टू आर डैश, ठीक है। दिस आर, ये वाला जो एंगल है आपका आर, दिस आर शुड बी इक्वल टू आर डैश। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडीशन फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम की कंडीशन क्या हो गई, एक तो आई इज इक्वल टू ई हो गई और दूसरी आर इज इक्वल टू आर डैश, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू आर डैश अगर होता है तो देखो ये एक इक्वेशन है अपने पास, ये वाली आर इज इक्वल टू आर डैश अगर होता है तो ये इक्वेशन देखो आप, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई फ्रॉम इक्वेशन थ्री, सर ठीक है, इक्वेशन 3 से क्या है, ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आर प्लस आर डैश आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आर डैश की वैल्यू अगर मैं आर रख दूं तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा, और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बाई टू आ जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना इसको, आर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ए बाई टू आ गया, है ना। अब कर क्या रहे हैं अपन, हम निकालना चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या निकालना चाहते हैं अपन इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू फाइंड आउट करना है अपन को, ठीक है। तो म्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, म्यू फाइंड आउट करने के लिए स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते कि भाई बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ हम लगा रहे हैं जो फेस है इसका, फेस ए बी पे। अब फेस ए बी पे ही क्यों लगा रहे, ए सी पे क्यों नहीं लगा रहे, इसलिए नहीं लगा, इसलिए लगा रहा हूँ मैं ए बी पर क्योंकि मुझे यहाँ पर आई भी मालूम है और आर भी मालूम है, यानी आई पता है इंसिडेंट एंगल और आर भी पता है रिफ्रेक्टेड एंगल, इसलिए लगा रहे हैं। तो देखो सीधा सा बात है, इधर देखो आप, अगर बाहर जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स में मान लेता हूँ एन वन, और अंदर जो मीडियम है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं अपन एन टू, ठीक है। तो फॉर्मूला स्नेल लॉ से क्या बन जाएगा अपना, फॉर्मूला बन जाएगा एन वन साइन आई इज इक्वल टू आ जाएगा एन टू साइन आर, ठीक है। तो बाहर जो मीडियम है वो क्या, एयर है, ठीक है, और बाहर का मीडियम एयर है तो एन वन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो एन वन की वैल्यू तो आप कर दो वन, तो एन वन की वैल्यू तो वन कर दी, ये साइन आई हो गया। एन टू की वैल्यू कितनी है, एन टू की वैल्यू म्यू है और ये साइन आर हो गया। हमें यहाँ से म्यू फाइंड आउट करना है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब अगर यहाँ से म्यू निकाला जाए तो साइन और आई की वैल्यू देखो आप, आई की वैल्यू ये निकाली है आपने, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाय टू, ठीक है, ये तो हो गई साइन आई की वैल्यू डिवाइड बाय साइन आर की वैल्यू। देखो साइन आर की वैल्यू देखो कितनी निकाली आपने, ए बाय टू, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी 7 आपके पास,
ठीक है, ये तो बात हो गई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया साइन, देन आई की वैल्यू आप यहाँ से रख देना, आई की वैल्यू कितनी है डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई टू, और आर की वैल्यू कितनी है ए बाई टू। ठीक है, नाउ फॉर फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, अगर जो है एंगल बहुत छोटे हैं, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो स्मॉल एंगल के लिए आपने देखा होगा साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है थीटा के। ये थोड़ी सी ट्रिक्नोमेट्री आपको ध्यान रखना कि एंगल अगर बहुत छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है थीटा के बराबर होता है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्नोमेट्री हम वी विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिक्नोमेट्री हियर, सो यू विल गेट म्यू इज इक्वल टू, तो ये साइन थीटा थीटा के बराबर हो गया, यानी कि क्या आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए, ठीक है डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई टू, ये तो यहाँ से आ गया इंटू ये हो गया आपका ए बाई टू, तो इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा म्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। ठीक है, या आप यहाँ से अपने पास कॉमन कितना आ जाएगा म्यू ए माइनस ए करोगे तो ए कॉमन आ जाएगा तो म्यू माइनस वन, ठीक है या आपके पास आ जाएगा म्यू माइनस वन, तो यहाँ से अपन को एक फॉर्मूला मिलेगा डेल्टा मिनिमम का, तो डेल्टा मिनिमम का क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास डेल्टा मिनिमम, और आई कैन राइट दिस डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, जैसा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो वैल्यूज गिवन हो गई उन वैल्यूज से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ये एट्थ इक्वेशन, यानी आपको मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है प्रिज्म का और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है और आपसे डेल्टा मिनिमम पूछता है, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन। ठीक है, अगर आपको देखो इंसिडेंट एंगल दे रखा है और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा डेल्टा मिनिमम का, वो क्या होगा ए म्यू माइनस वन। ओके, सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इफ द वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज गिवन। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर और लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज, जो जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे।